बारे में कथाओं में ही सुना था, पर कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी दूर आके दर्शन कर पाएंगे। ना हमको मौका मिला है भगवान के दर्शन करने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जय जय शिव शंकरा। कौन नहीं चाहता है कि बाबा अमरनाथ के दर्शन हो, पर हमारे हो रहे हैं तो मतलब हम तो बहुत लकी हैं। सुबह क्या हुआ था कि वेदर खराब था, पर हमको लगा था हम निकल नहीं पाएंगे, पर हमने ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप किया। उसके बाद आधा एक घंटे बाद तो वेदर इतना क्लियर हो गया, मुझे बहुत विश्वास है भगवान पर कि सब कुछ अच्छा होगा, सब यात्राएं बहुत अच्छी होगी सबकी। बहुत जोश है, ऐसा लग रहा है कि उड़ के पहुँच बाबा के दर्शन कर। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, जैसे बचपन में मैंने ऐसी स्टोरियाँ सुनी थी कि यहाँ पर अमरनाथ में भगवान भोले बाबा ने पार्वती जी को कथा सुनाई थी, उन्होंने कबूतरों ने सुनी थी, वैसे काफ़ी स्टोरियाँ सुनी थी, तब से मन में था, बचपन से मन में था कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे जाना आना पड़ा। लेकिन लकीली मेरे हस्बैंड की कृपा थी और भगवान की दोनों की कृपा थी, तो मैं यहाँ पहुँच गई। मैं बता नहीं सकती इस एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि मैं समझा नहीं सकती इसके बारे में। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे बुलाया है, शायद मैं इस लायक हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया है। यहाँ पर आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहलगाम से पैदल यात्रा करके गुफा तक पहुँचे, फिर सब जगह आनंद ही मिलता है, सेवा भी बहुत आनंद मिलता है, सेवादारों ने भी सेवा देते हैं अच्छे से, वहाँ सेवा पा के आराम से दर्शन करके हम फिर कल शाम को लौट आए इधर। बाबा के पास आना ही तो कठिनाई तो पाना ही पड़ता है, इसकी वजह से तो बोले के दर्शन मिलती है, इसकी वरदान भी मिलती है, हमको भी मिली है। हम वहाँ से वरदान मांग के आए, बाबा आपसे त्रिशूल लेके जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे, पैदल यात्रा किए, वहाँ बोले रे हमको प्रसाद की तरफ से त्रिशूल हमको दिया है। ये मेरा दूसरी बार है यात्रा, पहले मैंने हेलीकॉप्टर में किया था, ये दूसरी बार फर्स्ट टाइम में मैं पैदल कर रहा हूँ 2019 में, और अभी मैं काफ़ी चेंज है जगह जगह पे, जो मैनेजमेंट है प्रशासन का बार बार गाइडलाइन है, जो भी है मतलब एक व्यवस्था रखी हुई है कि इस तरीके से जाना है। इन्होंने पहले था कि चलो जा रहे हैं पब्लिक जा रही है, इस बार जो इन्होंने रखा है कि धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं प्रशासन को, उस हिसाब से अभी तक तो हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं प्रशासन से लेके और सुरक्षा से लेके हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं।